आर एनडीए ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और उस पूरे लिस्ट में एक ही मुस्लिम उम्मीदवार है, वो आज हमारे साथ हैं, महमूद अशरफ साहब किशनगंज से जदयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं और एनडीए की बिहार की सूची में अकेले मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है महमूद साहब, क्या एनडीए को अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा, जो आप एक अकेले कैंडिडेट हैं पूरे बिहार के अंदर एनडीए के मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए या मुसलमानों की रहनुमाई पर भरोसा नहीं रहा या मुसलमानों से अलग बिल्कुल एनडीए बनाना चाहती है? देखिए, मैं जो मेरे नेता हैं माननीय श्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो मुसलमान और हिंदू की राजनीति नहीं करते, पहली बात तो ये सुन ली। वो मानवता और इंसानियत और विकास, लॉ एंड ऑर्डर और घोटाले का जो मामला होता है, करप्शन के मामले में बहुत ही सख्त है वो। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए जो काम किया है और मेरी सरकार ने 428 योजना नीतीश जी के गवर्नमेंट में चली और उसमें कितनी फलाह और बेबूदी माइनॉरिटीज़ के लिए किया गया है, वो नज़रों के सामने है। और हमारी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीतिक नहीं करती, एक बात पहले बता दूं, वो मानवता और इंसानियत, देश और राज्य के विकास और डेवलप के लिए। मानवता की जब आप बात कर रहे हैं तो जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन की भी बात होती है तो जितनी आबादी मुस्लिम है उसके हिसाब से आपको लगता है एक सीट मुसलमानों के लिए एनडीए में जस्टिफाइड है? ये शेष नेतृत्व आपको बताएंगे। जस्टिफाई का जहाँ तक सवाल है, जदयू ने 17 में एक उम्मीदवार यहाँ दिया और फिर बहुत तरह का चुनाव में समीकरण बनता है और जात के उम्मीदवार पर नहीं जाइए, अगर यहाँ कोई हिंदू भी जदयू से लड़ता तो वो एक कैंडिडेट होता और उसको हम लोग सारे माइनॉरिटीज़ के लोग भी साथ देते। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा एहसानात है हम मुसलमानों पर। यहाँ पे हमारे साथ और दो, एक विधायक हैं और एक पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये दोनों भी मेरे रिपोर्ट्स के हिसाब से टिकट के दावेदार थे किशनगंज से जदयू के, तो क्या इनका सहयोग अब आपके साथ है? देखिए, ये तो कंस्पिरेसी वाली बात नहीं होती, हम लोग खुला आईना है, हमारी पार्टी में साफ दिल है। मैंने पूर्व में भी आपको बयान आया था कि हमारे माननीय विधायक ठाकुरगंज, माननीय विधायक कोचा धामन, दोनों हमारे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, एक ने प्रस्ताव रखा माननीय मुख्यमंत्री के सामने, एक समर्थन किया, हम ही तीनों आदमी को फैसला लेना था कि किसको लड़ना है, तो इन्होंने हमारी सीनियरिटी का ख्याल रखते हुए मुझे उम्मीदवार बनाया। हाँ, और चुनाव पूरे एनडीए परिवार लड़ेगा, यहाँ पूरे किशनगंज की लोकसभा की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी। और ये मैसेज क्यों जाएगा कि हम सेकुलर और कॉमनल और ये इस सब पर नहीं, लोग चुनाव लड़ेंगे अपने विकास के मुद्दे पर और अपनी हालात पर, किशनगंज के डेवलपमेंट पर। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने जो किशनगंज इलाका और पूर्णिया परमंडल के लिए काम किया है वो खुला आईना है, नज़रों के सामने है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप पूरा जोर लगाएंगे किशनगंज में? प्रधानमंत्री मोदी को बनाने का क्या सवाल है, मोदी तो है ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 19 में उनके लिए आप पूरी मेहनत करेंगे यहाँ पे? मेरी क्या जरूरत है, पूरी देश मेहनत, सांसद बनेंगे तब तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भाई, पूरा देश उनको बनाने के लिए तैयार है, उन्हीं के रहनुमा होंगे ना यहाँ पे, प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं लोकसभा का यहाँ किशनगंज का रहनुमा होऊंगा, वहाँ का मेंबर होऊंगा। अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही, मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवार हैं या नीतीश कुमार के, सीधा सवाल? मैं एनडीए का उम्मीदवार हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल है, नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 26 तारीख। कोई बड़े नेता आ रहे हैं? सब हमारे राज्य के जो स्टेट लेवल के नेता हैं वो आएंगे, राष्ट्रीय लीडर हमारे संगठन के लोग हैं, मौजूद हैं यहाँ। पार्टी इस बार चुनाव एनडीए की संगठन चुनाव लड़ रही है और किशनगंज की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं कोई बड़ा परिवार से तो नहीं होता हूँ, एक किसान का बच्चा हूँ और एक मामूली सरल का इंसान हूँ। इन बातों पे नॉमिनेशन के बाद बात करेंगे। आप पूछ लिया कीजिए, आप छटना चाह रहे तो नहीं होगा ना हुजूर, ये बैकग्राउंड पे बात करेंगे तो बात अभी लंबी चलेगी, आज बस इसी पे बात करते हैं कि टिकट मिलने नहीं मिलने पे। तो हम जो